तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। 7 तारीख 7 दिसंबर को SBI क्लरिकल का लास्ट डेट है। आप फॉर्म भरे नहीं हैं तो आप मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन से स्टेट से आप भरोगे और आपने भर के एग्ज़ामिनेशन का जो प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर लिया होगा। देखिए अब ये ना, आप इस चीज़ को हल्के में मत आकिए, है ना, आप हल्के में मत आकिए क्योंकि ये ठंड का महीना है। दिन बड़ा छोटा होता है और रातें जो होती है वो बड़ी लंबी होती है। नींद बहुत जल्दी आता है और बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है। बी वेरी प्रैक्टिकल, आपको पढ़ाई पे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और जो रातें लंबी होती है ना, जो कहावत है कि हमने रातें लंबी कर करके पढ़ाई किया है, तो लिटरली बता रहा हूँ रातें लंबी है। आप ध्यान और लगाइए और बिस्तर से आप उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरा कहना है दोस्तों समय बहुत जल्दी चला जाएगा, है ना। बातों का सार यही है कि ठंड के टाइम पे पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे बीत जाए। लास्ट डेट भी ख़त्म हो जाएगा और जो एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन हो सकता है, वो अगर सच में फर्स्ट वीक में होता है तो फिर वो कितने नज़दीक है दोस्तों, शायद आप लोगों का अंदाज़ा भी नहीं है। देखिए वीडियो के जरिए मैं आप सबको डरा नहीं रहा हूँ, वीडियो के जरिए मैं आप सभी को ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि अभी अप्रोच कैसे करें। सबसे पहला जो चीज़ हमारे जहनी तौर पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम क्लियर रहते हैं ना तो हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा क्लियर दिखता है, बड़ा साफ दिखता है और ऐसा लगता है कि आराम से उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए, आप घर वालों से पूछ लीजिए, आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, तमाम जितने लोग हैं जिन पर आप रिलाई करते हो उनसे पूछ लीजिए और फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने से ये हो जाएगा दोस्तों कि पढ़ाई पे कंसंट्रेशन जो है वो जल्दी और आ पाएगा। सबसे पहला अप्रोच जो हमारा होना चाहिए एग्जामिनेशन के प्रति वो ये है दोस्तों कि पिछले 2-3 साल में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक बार समझना पड़ेगा। और वो समझने का जरिया ही बस प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट्स, जो मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट, उनको लगाइए। प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स को आप लगाइए, एक अंदाज़ा हो जाएगा दोस्तों कि हमको किस किस किन किन चैप्टर में हमको ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, है ना। अब क्या होता है ना कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो T20 मैच का, आपने कभी मैच खेला नहीं और आप अगर टेस्ट मैच के जोन में घुस जाओगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वो उससे पहले जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो वैसे ही होना चाहिए दोस्तों जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर के जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको उठा के कर लो आप। एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि हम कितना अभी फ़िलहाल किस स्टेज में हैं, मतलब वो प्रो स्टेज में है या बेसिक स्टेज में है या एडवांस स्टेज में है, ये पता चल जाएगा। और कौन सा चैप्टर हमसे छूट रहा है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक और चीज़ करना है आप सभी को, जब तक आपका प्रीलिम्स ख़त्म नहीं होता है तब तक आपको मॉक टेस्ट हमेशा देना है। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो। और ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम के ठीक 10 दिन पहले मॉक टेस्ट शुरू करोगे। मॉक टेस्ट को एक प्रैक्टिस के रूप में लीजिए, टेस्ट के रूप में मत लीजिए, एक प्रैक्टिस के रूप में लीजिए जहाँ पे 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, वो सबसे बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को लगाइए। और उसके लिए मैं एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ, गाइडली का जो मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान है उसको खरीद लीजिए, बड़ा सस्ता है। और मेरा जो कूपन कोड अगर आप लगाते हो SFY12 आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाता है, सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे खुल जाएंगे। बस मॉक टेस्ट लगाते रहिए दोस्तों, यही सॉल्यूशन है। आप जितना मॉक टेस्ट लगाओगे आप डेफिनेटली आप क्रैक करोगे, ठीक है। मैं मुलाकात करता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब आखिर, लव यू, और अपने क्षेत्र को ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।